हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से राइट साइड में जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसको प्रेस करके बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मशरूम मसाला विद लिटिल ट्विस्ट। मैं थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया है, तो चलिए देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले मशरूम को अच्छे से छील ले। उसके लिए आपको क्या करना होगा, मशरूम को पीछे की साइड से छीलना स्टार्ट करें, तो ये इजीली इसका छिकल निकल जाएगा। तो जैसे आप देख सकते हैं मैं सारे छिलकल पीछे से निकाल रही हूँ, वैसे ही आप सारे छिलकों को, सारे मशरूम्स के छिलके ऐसे ही निकाल लें और इसको दो हाफ में डिवाइड कर लें। तो अभी देख सकते हैं मैंने सारे मशरूम्स को टू हाफ में डिवाइड कर लिया। अभी मैंने इसमें 4 स्पून कॉर्नफ्लोर ऐड किया है और इसके बाद अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून चाट मसाला ऐड करूंगी। लिटिल बिट ऑफ रेड चिली पाउडर एंड थोड़ा सा सॉल्ट। मैंने सॉल्ट कम डाला है क्योंकि ग्रेवी में भी सॉल्ट होगा। इसके बाद मैं इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करके इन सारे मिक्स मसालों को अलोंग विद कॉर्नफ्लोर मशरूम्स के साथ मिक्स कर दूंगी। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लें, हमारे मशरूम अच्छे से कॉर्नफ्लोर और मसाले के साथ कोट हो जाए। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारे सारे मशरूम्स अच्छे से कॉर्नफ्लोर और मसाले के साथ कोट हो गए। मैं इसको 5 मिनट के लिए साइड रख दूँ। इसको 5 मिनट से ज्यादा मत रखिएगा क्योंकि मशरूम पानी छोड़ता है, तो ये गीला हो जाएगा और सारा मसाला एंड कॉर्नफ्लोर अलग हो जाएगा एंड मशरूम्स अलग हो जाएंगे। तो बस 5 मिनट। इसके बाद मैं बीच में ग्रेवी बना लूंगी। तो इसके लिए मैंने 2 टमाटर लिए हैं, 2 हरी मिर्च लिए हैं और 5-6 गार्लिक क्लोव्स लिए हैं। इनको मैं ग्राइंड कर लूंगी, ये ग्रेवी के लिए हम ग्राइंड कर रहे हैं। मेरे 5 मिनट हो गए हैं और मैंने मशरूम्स को फ्राई करना स्टार्ट कर दिया है। मैंने इसको नॉर्मल मस्टर्ड ऑयल में फ्राई किया है, आप किसी और ऑयल में फ्राई कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। मुझे मस्टर्ड ऑयल पसंद है तो मैं मस्टर्ड ऑयल में इनको फ्राई कर रही हूँ। एंड मशरूम को आप अपने अकॉर्डिंग फ्राई कर लें। अगर आपको थोड़ा सा क्रिस्पी चाहिए तो आप थोड़ा सा ज्यादा फ्राई कर सकते हैं और अगर आपको थोड़ा नॉर्मल चाहिए तो आप थोड़ा नॉर्मल रख सकते हैं। मुझे ज्यादा क्रिस्पी नहीं चाहिए था तो मैंने इनको ज्यादा फ्राई नहीं किया, थोड़ा सा थोड़ा फ्राई करके इनको निकाल लिया है। अब मैं इसमें ग्रेवी बनाना स्टार्ट करूंगी। इसके लिए मैंने 1 चम्मच जीरा डाला है, फिर 1 प्याज काट के चॉप करके ऐड कर दी है। अब मैं इस प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक भून लूंगी। अब मेरी प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई तो मैंने इसमें टमाटो ग्रेवी जो हमने तैयार की थी वो मैं ऐड कर दूंगी। अब इसमें मैंने थोड़ा सा चाट मसाला, रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर ऐड कर दिया और हल्दी पाउडर ऐड किया है। आप यहाँ पे चाट मसाले को स्किप कर सकते हैं, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। मैं बस एक्सपेरिमेंट कर रही थी तो मैंने ट्राई किया था, आप इसको स्किप कर सकते हैं। सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर ले और ग्रेवी को जब तक तेल ग्रेवी के ऊपर ना आ जाए तब तक पकाते रहें। तो इसके बाद मैंने अब इसमें मशरूम एंड पानी ऐड कर दिया, मेरी ग्रेवी अच्छे से पक गई थी। मैंने 1 ग्लास इसमें पानी ऐड किया है और मशरूम्स ऐड कर दिए हैं हमारे जो हमने फ्राई किए थे। अब मैं इसको बॉइल होने दूंगी। तो फ्रेंड्स, मशरूम हमारे बहुत जल्दी पक जाते हैं, तो ये मेरी मशरूम ग्रेवी बनके तैयार है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर कलर आया है और इसमें मैंने थोड़ी सी कस्तूरी मेथी बाद में ऐड कर दी है। तो अब हमारा मशरूम मसाला बनके रेडी है। अब मैं इसको गार्निश कर रही हूँ विद धनिया विद कोरिएंडर लीव्स। तो फ्रेंड्स,
आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कमेंट करके, और मेरे वीडियो को लाइक करें, ये चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।